नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट We denote angular displacement with a letter theta. Theta से denote करते हैं। Normal displacement कैसे समझें कि एक quantity है, it is the shortest distance from initial point to final point, ऐसे होते हैं। देखो अगर आपको kinematics और linear motion perfect आता तो आप analogous picture रहेगी, almost same रहेगा, okay? But चीजें घूमने लगेगी बस वहां पर, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो था वो लीनियर ऐसा मूव हो रहा था, तो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे हम वो एक स्ट्रेट लाइन में होता था, बट यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई चीज घूम रही है। ओके फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ओके दिस इज अ मार्क, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आई एम गोइंग टू गिव दिस रोटेशनल मोशन टू दिस मार्कर, ओके, और ये जो पॉइंट है या शोल्डर का, ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके जब भी कभी कोई बॉडी रोटेट होती है तो इट विल रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इन दिस केस ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है मार्कर का, इस मार्कर के रोटेशनल मोशन के लिए द फिक्स्ड पॉइंट इज दिस पॉइंट शोल्डर, और उस फिक्स्ड पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर। ओके अभी इनिशियली पार्टिकल या बॉडी यहां पर है, इफ इट इज मूविंग दिस वे यहां से यहां आया तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा बोलते हैं, जैसा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहता है वैसा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल बॉडी यहां थी इनिशियली, आई नो ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये सब चीजें तो मुझे पता है ऑलरेडी, आई नो ऑल दिस स्टफ, बट द थिंग इज पता हो तो या ना तो मैं ये चाहता हूं कि हम हर चीज को फिर एक बार थोड़ा देख लेते चले कि क्या है क्या, ताकि आगे चल के जो भी पढ़ने वाले हो उसके लिए हमारा जो बेस है वो ग्राउंड है एकदम क्लियर हो। ओके राइट तो यहां से अगर बॉडी यहां मूव हुई तो यहां जो ये थीटा कवर करता ना, जितना थीटा ये घुमा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इट्स अ वेक्टर, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सियल वेक्टर है, बहुत सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर की पहचान ये है कि अब जैसे नॉर्मली डायरेक्शन ऐसा बता रहा है, अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये एक्सियल वेक्टर को आप ऐसा डिनोट करो और ऐसा डायरेक्शन बताओ। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करे तो क्या उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैं ऐसा बताऊं क्या? ये दो चक्कर कंप्लीट करा तो ऐसा ऐसा बताऊंगा फिर? ऐसा नहीं है रिप्रेजेंटेशन। जो चीज एंगुलर में आ रहे हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटीज उनको रिप्रेजेंट करने का उनका जो डायरेक्शन रहेगा वो थोड़ा अलग है। वो कैसा देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। टेक योर राइट हैंड, रोटेट द फिंगर्स अलोंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जिस प्लेन में पार्टिकल मूव हो रहा उस प्लेन में यू शुड रोटेट योर फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सियल वेक्टर। यहां पर कौन है एक्सियल वेक्टर? थीटा है। सो द थीटा का डायरेक्शन इज, जो थीटा है वो बाहर आ रहा है बोर्ड के बाहर। तो जब कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर बोर्ड के बाहर रहेगा आउट ऑफ द बोर्ड, हम उसे सर्कल डाल के वी पुट अ डॉट लाइक दिस। इफ सम फिजिकल क्वांटिटी का जो कुछ डायरेक्शन है दैट इज गोइंग इनटू द बोर्ड, we are going to use circle and a cross arrow। dekhoge arrow back side se jab dekhenge to aisa cross dikhega, aur jab arrow aapke taraf aayega to aisa dot dikhega, isliye aisa notation aisa representation hum istemal karte hain। this is called axial vector। so theta hamara hai axial vector hai right। ab aur ek cheez dekhiye, yahan se leke yahan tak ka jo distance hai ye wala distance we call this distance as arc length। तो क्या होते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं, और ये जो है दिस इज अवर रेडियस आर। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो पिज्जा का रूल रहता ना, जितना बड़ा आर्क लेंथ रहेगा उतना बड़ा थीटा रहेगा,
So we say that theta is directly proportional to the arc length. And this arc length जब हम लिखते हैं तो ये arc length जो है arc length is equals to r theta constant है यहाँ पर क्योंकि everywhere this r remains same so that's why we take r as constant here ठीक है arc length को कुछ खाली अगर मैं normal s से denote करूँ तो s is equals to r theta So this is called the relation between linear variable and angular variable. हम हर वक्त जब कभी भी whenever we talk about any angular variable like angular velocity के बारे में बात करें या angular acceleration के बारे में बात करें, so we will try to get an equation in which we have the relation between linear and as well as angular variable. जैसे कि यहाँ पर this is the displacement linear वाला और ये theta angular okay